फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँगी मंदिर जाऊँगी, तो फाइनली वो दिन आ चुका है। मैं आज मंदिर जा रही हूँ, तो कौन से मंदिर जा रही हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगी, और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलते हैं सीधे यहाँ से रास्ते में और वहीं पर मिलेंगे आपको। अभी सिमल गैर पे और अभी हम गाड़ी लेंगे और वहाँ से जाएंगे। चुके हैं स्टेशन पे, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है तो हम लोग बैठते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट पे और यहाँ से अभी हम लेंगे मंदिर के लिए सामान, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। फाइनली हम पहुँच गए हैं गंगनाथ बाबा मंदिर में। तो यहाँ पे मेरे कब से आने की तमन्ना थी, तो आज वो पूरी हो चुकी है। जय गंगनाथ बाबा। तो अब हम जाएंगे इस मंदिर में जो भगवान नारायण। अब हम जला रहे हैं दिया और जला रही हमारी दीदी और ये हमारी सुरभि दीदी भी जला रही है। ये है पिथौरागढ़ का लटेश्वर मंदिर जहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ जो है काफ़ी बढ़िया बना रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इतना सुंदर डिजाइन दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर है गणेश जी का मूर्ति जो अभी हम लोग यहाँ पर दर्शन करके आ चुके हैं। तो अभी यहाँ जो है, यहाँ का जो द्वार है अभी बंद है, ये मेन द्वार है। और यहाँ पर है हमारे नंदी भगवान जी, इनके भी दर्शन करिए आप लोग। तो यहाँ का गार्डन देखिए कितना बढ़िया बना रखा है। अभी हम हैं लटेश्वर मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बढ़िया सुंदर दृश्य बना रखा है। यहाँ पे काफ़ी समय बैठ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे और आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो फ्रेंड्स, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, एकदम मन जो है शांत हो गया है। और अब जो है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं और आपको दिखाते हैं, एक चक्कर मंदिर के भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किनारे साइड पे जो है पानी का स्रोत बना रखा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर जो है मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र तो क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ सामने से, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ओम मातृ भावनाय नमः। तो सब दीवारों में जो है अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी लाइटिंग कर रखी है। यहाँ से अंदर गुफा है। जो क्या कर रहे हो, रुको, खुल ही नहीं रहा। जो चलो 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 चलो, कहाँ है ये कौन सा रास्ता है भाई? अरे यहाँ पे बस, यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं। ये हम अटक चुके हैं, क्या हालत हो रही। तो यहाँ पे लिखा है फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पे फूल मत तोड़िएगा क्योंकि बहुत मेहनत से यहाँ पे काम कर रखा है। और यहाँ पर भी है मंदिर बढ़िया सा। तो इस जगह से हम विदा करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो अब हम जाएंगे विशाल मेगा मॉल में, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं। मॉल में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लेना है। तो आप भी देखें यहाँ पे, किसी को कुछ पसंद आ रहा है तो देख लेना, काफी बढ़िया बढ़िया कपड़े आ रखे हैं यहाँ पे। कुमम शीतते तो अब शीशी मुरखा को कुमीन
तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर में और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक हम जाएंगे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। एक किलो बादाम 699 रुपए में आज आपको मिल जाएगा। एक किलो खा। तो अभी हम थर्ड फ्लोर में जा रहे हैं यहाँ से। और ये दीदी लिफ्ट से जाने में डरती है, जैसे ही वादी उजू उजू आ रही है अभी दीदी। तो गाइज अभी हम लोग जो है मॉल पे हैं, तो देखते क्या क्या लेना है और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान आ रखा है। तो अभी हम किचन वाले सेट पे आ रखे हैं ऊपर, सबसे थर्ड फ्लोर में लास्ट फ्लोर है। हम जाएंगे लिफ्ट से। हाय क्या मस्त हवा चल रही यार। हाय आज तो मजा आ रहा है इसमें। देखिए आज हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे धन्यवाद धन्यवाद। तो इस लिफ्ट से हम आ चुके हैं पर हमारा बिल बन रहा है, तो हमने ले रखा थोड़ा बहुत सामान। हमें गाड़ी मिल चुकी है और हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं विशाल मेगा मॉल से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिरथाम। तो अभी हम जाएंगे पेट पूजा करेंगे होटल पे जाके। तो देखिए यहाँ के मार्केट। तो अभी हम लोग खा रहे हैं मोमो, पेट पूजा करते हैं। तो अब हम खाएंगे चाउमीन, चौमिन और मोमो की पार्टी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है घर पे आ चुके हैं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आप सभी लोग ने क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।